बहुत ज़्यादा निराशा हुई। यहाँ पर Redmi Go इंडिया में लॉन्च कर दिया है Xiaomi ने। प्राइस हमें उम्मीद था कि इसका प्राइस जो है 3000 के अंदर ही यहाँ पर Xiaomi लॉन्च करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 3500 में, लेकिन Xiaomi ने लॉन्च किया है 4499 रुपये, यानी आपको 4500 रुपये में Redmi Go मिलेगा इंडिया में। क्या ये प्राइस के हिसाब से सही फ़ोन है? क्या आपको ख़रीदना चाहिए अपने पापा मम्मी को गिफ्ट करने के लिए? अगर आपके पास कोई फीचर फ़ोन है, क्या आपको स्विच करना चाहिए स्मार्टफोन में? और क्या इसके अलावा मार्केट में कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। जी हाँ, इसी प्राइस रेंज में लगभग आपको कहीं ज़्यादा इससे बेटर फ़ोन मिल जाएगा इंडियन मार्केट में ही, और वो भी काफ़ी अच्छे ब्रांड की तरफ से। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं खुद का चैनल यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप यहाँ पर 4 से 5 हज़ार रुपये में कोई फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं Redmi Go के बारे में और इसके किलर फ़ोन के बारे में, मतलब इसके अपोजिट कौन सा फ़ोन अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। तो मैं आपको बता दूं कि Asus ने यहाँ पर इंडिया में पहले ही लॉन्च कर दिया है इसी प्राइस रेंज में, लगभग इसी प्राइस रेंज में 4999 रुपये में। हमेशा आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, ये ऑफ़र में आता है, और इसका Asus का ऑफ़र जो है आते ही रहता है। अगर आप खरीदने के बारे में सोचेंगे तो 3-4 दिन के बाद फिर से ऑफ़र आएगा। ये फ़ोन आपको 4999 में मिल जाएगा, यानी 5000 में, और Redmi Go आपको मिलता है 4500 में। 500 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन 500 रुपये अगर आप यहाँ पर पे करेंगे तो आपको लगभग जो है सारा फ़ोन जो है बेटर मिलेगा Redmi Go से। क्या क्या अगर बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन दोनों का सेम है, यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है दोनों फ़ोन। ये है Asus का Zenfone Lite L1, जी हाँ, प्लास्टिक बैग के साथ आता है और Redmi Go जैसा ही दिखने में लगता है, लेकिन डिफरेंस है डिस्प्ले में। Redmi Go में आपको डिस्प्ले मिलता है 5 इंच का 720p वाला, वहीं आपको Asus Zenfone Lite L1 में मिलता है 5.45 इंच का, लगभग यहाँ पर 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, वही 720p वाला। तो यहाँ पर डिस्प्ले जो है बड़ा है और अच्छा भी है यहाँ पर Redmi Go से। तो यहाँ पर 500 रुपये ज़्यादा लगाने का मतलब है आपको डिस्प्ले बड़ा मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट, प्रोसेसर आपको यहाँ पर लाइट L1 में मिलता है स्नैपड्रैगन का 430, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 430 मिलता है, जो कि यहाँ पर 425 से बेटर परफॉर्म कर जाता है। जी हाँ, 425 आपको मिलता है यहाँ पर Redmi Go में, और 430 मिलता है आपको लाइट L1 में। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी यहाँ पर लाइट L1 जो है बेटर होता है Redmi Go से, आपको सिर्फ 500 रुपये ज़्यादा पे करना है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, कैमरा आपको Redmi Go में मिलता है 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, और सेल्फी आपको 5 मेगापिक्सल का, वहीं आपको लाइट L1 में मिलता है 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और यहां पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सेल्फी और बैक दोनों कैमरा जो है बेटर है Redmi Go से कहीं ज़्यादा। तो यहां पर 500 रुपये ज़्यादा पे करने का मतलब आपको कैमरा भी काफ़ी अच्छा बेटर मिल रहा है। 3000 mAh का बैटरी आपको इसमें भी मिल जाता है और उसमें भी मिलता है, तो बैटरी मामले में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो Go एडिशन है आपको Redmi Go में मिलता है, लेकिन यहाँ पर फुल वर्जन एंड्रॉयड आपको मिल जाता है लाइट L1 में। और एक और पॉइंट है, 1 GB रैम 8 GB रोम मिलता है आपको Redmi Go में, इसमें आपको मिलता है 2 GB रैम और 16 GB रोम। जी हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा बड़ा पॉइंट है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो पॉइंट ये है कि 500 रुपये अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको Redmi Go से सब कुछ जो है 2 कदम ज़्यादा ही मिलता है लाइट L1 में। और अगर आप पापा मम्मी को गिफ्ट ही कर रहे हैं तो 500 रुपये आप क्या देखोगे? नहीं देखोगे ना। तो 500 रुपये अगर पे करके आप इस फ़ोन को ख़रीदते हैं Zenfone Lite L1, ये कहीं ज़्यादा बेटर है Redmi Go से। अगर Redmi Go का प्राइस और अभी के ज़माने में अगर कोई यहाँ पर स्विच करेगा, 500 रुपये पे करके Zenfone Lite L1 ले सकता है, काफ़ी बेटर फ़ोन है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।